प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे त्योहार, त्योहारों में जो अपने हिंदू धर्म के त्योहार थे वो अपन ने बिल्कुल डिटेल में देख लिए। अब जो नेक्स्ट फाइल में अपन देखेंगे हिंदू धर्म के अलावा जो अन्य धर्म है उनके अपन त्योहार इस फाइल के अंदर देखेंगे। अब सबसे पहले जो चीज समझने वाली है कि कौन कौन से धर्म के यहाँ त्योहार अपन देखेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि अपने जैसे जो भारत है उसके अंदर जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है, वो कितनी है? 6 है। उसका क्लू क्या है? उसका क्लू है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए एमएससी जरूरी होती है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए एमएससी जरूरी है, तो एक 6 माइनॉरिटीज का क्लू है। ये क्या है? बी से तो है बुद्धिस्ट बौद्ध, ठीक है ना, बुद्धिस्ट बौद्ध। जे से है जैन, जैनिज्म, महावीर को मानने वाले। पी से है पारसी, पर्शियन, ठीक है, बोमई ईरानी, डॉक्टर अस्थाना, जानते ही अपन, पर्शियन। एम से है मुस्लिम, ठीक है। एस से है सिख, अपने पंजाब। एंड सी से है अपने क्रिश्चियन, ईसाई, ठीक है। ये अपने 6 माइनॉरिटीज हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, कल्चरल आधार पे। आपने जो माइनॉरिटीज की जो डेफिनेशन है वो सांस्कृतिक आधार पे माइनॉरिटीज की डेफिनेशन है, ठीक है, एक्सट्रीम कल्चर। तो ये है बीजेपी एमएससी, उसका क्लू है बुद्धिस्ट जैन फारसी मुस्लिम सिख एंड क्रिश्चियन। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए एमएससी जरूरी है, ये क्लू है। अब इसमें अपन पढ़ेंगे किस किस के, तो एक तो ये 3 के अपन पढ़ेंगे, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन। एक ये जैन का पढ़ेंगे अपन, ठीक है, तो 4 हो गए। और एक और है जो इसके अंदर नहीं है, सिंध, सिंध से सिंधी, ठीक है, सिंधी समाज के जो धार्मिक पर्व है उनके बारे में। तो अपन टोटल 5 पढ़ेंगे, एमएससी, एक जे और एक सिंध के, सिंधी हो के, मतलब सिंध प्रांत से निकले सिंधी। तो अपन किस किस के पढ़ेंगे, एमएससी एक तो मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, और जे ये जैनी आ गए, और एक एस सिंधी के जो अपने माइनॉरिटीज में नहीं है लेकिन अपन अन्य धर्मों के अंदर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, मैंने ये इसलिए बताया है जिससे कि आपको माइनॉरिटीज भी ध्यान हो जाए। तो माइनॉरिटीज तो ये आ गई अपने नेशनल लेवल पे, माइनॉरिटीज भारत में जो माइनॉरिटीज का घोषणा है वो नेशनल लेवल पे है, ठीक है, भारतीय आधार, भारतीय लेवल पे माइनॉरिटीज की घोषणा होती है। और जो एससी एसटी की जो घोषणा होती है वो राज्य के आधार पर होती है, कॉन्स्टिट्यूशन वाली फाइल में मैंने आपको समझा रखा पूरा डिटेल में, ठीक है ना। तो ये अपने 6 माइनॉरिटीज है, इसमें से 6 में से 4 अपन अभी देखेंगे, 4 के अलावा 2 हैं अलग जो इसके अंदर नहीं है। कौन सी अपने 2 जो कौन सी नहीं है इसके अंदर, मतलब 4, एक 5, 3 और एक 4, एक जो इसमें नहीं है वो सिंधी, वो अपन अलग से देखेंगे, है ना, है ना। तो ये अपने माइनॉरिटीज इंडिया लेवल पे, इसमें से अपन 3 वो उठा लिए, एक 4 इसमें से उठा लिए और एक अलग से, मतलब बुद्धिस्ट और पर्शियंस, बुद्धिस्ट और पर्शियंस का अपन कोई यहाँ राजस्थान के संदर्भ में कोई रोल नहीं है, इसलिए इनका अपन त्यौहार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्रम में अपन, मतलब इस कड़ी के अंदर अपन सबसे पहले अपने त्योहार देखते हैं, कौन से, सिख धर्म के, सिख समाज के त्योहार अपन देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। सिख समाज के, है ना, सिख समाज के त्योहार, तो सबसे पहले सिख समाज में कैलेंडर के हिसाब से जमाए हुए बीच के अंदर महीना उस हिसाब से चलेंगे सारे। सबसे पहले अपन देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जयंती, तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें व अंतिम, टोटल 10 सिख गुरु हुए, ठीक है ना, तो 10वें व अंतिम सिख गुरु थे। तो अपन को ध्यान में रखना है कि जो सबसे अंतिम थे ना उनकी साल में, मतलब अपन जो ग्रिगोरियन कैलेंडर देखते हैं ये जनवरी माह के में देख, जनवरी माह से जमे हुए हैं ये, तो उनकी साल के सबसे पहले महीने में, मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर के साल के सबसे पहले महीने में उनकी जयंती आती है। और जो सबसे पहले है उनके साल की सबसे आखिरी महीने में आती है, अंत में आती है ना, अंत से थोड़ा सा पहले, नवंबर दिसंबर अपन देखेंगे अभी, ठीक है। तो समझने मतलब क्या, जो अंतिम सिख गुरु है वो तो पहले महीने के अंदर है, और मैं आपको बताऊं इस पहले को थोड़ा सा नीचे करें अपन, और जो पहले सिख गुरु है उनके देख लो नवंबर के अंदर आ रही है कि नहीं है, तो थोड़ा सा ये उल्टा है, जो सबसे अंतिम सिख गुरु है वो सबसे पहले महीने में, और जो सबसे पहला सिख गुरु है वो ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट मंथ के अंदर है नवंबर में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, गुरु नानक जी पहले सिख गुरु थे तो ये 8वें में, अपने सबसे लास्ट में, मतलब सबसे लास्ट से करीब लास्ट ही आ गए नवंबर में, ऑलमोस्ट लास्ट ही आ गए ऐसे। और ये गुरु गोविंद जी है 10वें है, लेकिन सबसे पहले इनका है अपने जनवरी मंथ में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम, याद रखना है टोटल कितने हुए, 10 हुए, 10वां कौन, गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने उत्तराधिकार गुरु परंपरा समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, मतलब सिख धर्म के अंदर जो गुरु माना जाता है वो कौन है, वो गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है, आदि ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ इसको बोलते हैं, ये सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। और मूर्ति पूजा वर्जित,
वो बात दूसरी, आज गुरु नानक जी की पूजा होती है, मूर्ति का रूप मूर्ति बनाने की वो बात अलग है, लेकिन सिख धर्म के अंदर जो मेन है वो गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती है। जैसे आपने अभी थोड़ा आगे पढ़ो फिर बताता हूँ, ठीक है। इन्होंने उत्तराधिकार गुरु परंपरा समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि इनका जन्म कब हुआ, पौष शुक्ल सप्तमी, ये कोई तय पॉइंट नहीं है, इसमें हिंदू ग्रंथ तारीख याद मत रखो, लेकिन ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां इनका जन्म हुआ, मतलब अपने पटना बिहार के अंदर। तो लगता थोड़ा सा अजीब सा है कि यार ये तो पंजाबी थे तो पंजाब में जन्म होता, नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन आता है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ, पटना बिहार में 1699 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत पूछते हैं, ठीक है। ये इस साल जैसे 2022 में 9 जनवरी को थी, जैसे मैंने बता रखा है, तो गुरु गोविंद सिंह जी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। और गुरु परंपरा मतलब गुरु गोविंद साहिब को गुरु घोषित किया, ठीक है ना। और फिर जो एक इंपॉर्टेंट है वो यहाँ देखो, यहाँ नीचे लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ देखो, ठीक है ना। देखो ये क्या है, गुरु गोविंद सिंह जिसे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 1699 कर दो, ये ऊपर लिखा हुआ 1699 है ना। एक यहां मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन है ना। एक क्या है, जन्म लिखा हुआ है ना, तारीख दोनों सही है, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा क्या है, ये जन्म जो है ना ये अपना है 1666 ये तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है अपने 1699, ठीक है ना, ये किसका जन्म है, ये खालसा का जन्म है, खालसा, ठीक है ना। खालसा पंथ की शुरुआत करी थी, गुरु परंपरा को खत्म किया और खालसा पंथ की शुरुआत करी किसने, गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो ये दोनों तारीख सही, बस थोड़ा सा संदर्भ अलग है, बाकी तारीखें दोनों सही है, ठीक है। तो जन्म हुआ था 1666 में गुरु गोविंद सिंह जी का, आपने गुरु गोविंद सिंह जी का, ठीक है ना, और 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत करी थी, ठीक। ये अब हमको ध्यान में रख लेना, तो इसको यहाँ जन्म लिखा हो तो 1666 कर देना इसको। और ये अब देखो, ये गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में थोड़ी अन्य चीजें हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ, ये सही है। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों का कड़ा विरोध, गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की कट्टर नीतियों का कड़ा विरोध किया था, परिणाम स्वरूप उन्हें शहीद होना पड़ा था, औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी गुरु तेग बहादुर की, नवे सिख गुरु की, ठीक है। नीतियों का परिणाम स्वरूप उन्हें शहीद होना पड़ा, ठीक है। पंच प्यारे मतलब गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की जो एक कट्टर धार्मिक नीति थी, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम जो बदलना चाहता था औरंगजेब, उस नीति का कट्टर विरोध किया गुरु तेग बहादुर ने, तो गुरु तेग बहादुर को की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। फिर इस हत्या का बदला लिया गुरु तेग बहादुर के लड़के गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो 10वें और अंतिम सिख गुरु हैं। तो अंतिम क्यों हुए, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि ऐसे गुरु परंपरा चलती रहेगी तब तक तो अपन औरंगजेब से बदला नहीं ले पाएंगे। तो गुरु गोविंद सिंह ने सोचा कि अपने इस गुरु परंपरा को तो खत्म करो, फिर गुरु कौन रहेगा, गुरु तो वो आदि ग्रंथ साहिब वो गुरु बन गया, ठीक है ना, उसको गुरु की उपाधि दे दी। और सिखों को एक मिलिट्री रेस के अंदर ऑर्गेनाइज किया, एक सैन्य शक्ति के रूप में, मिलिट्री के रूप में जो सिख समुदाय था उसको ऑर्गेनाइज किया, किसने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। खालसा पंथ उसी को भी बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा सिख जो समुदाय है उसमें एक स्लोगन है, वाहे गुरु दी फतेह वाहे गुरु दा खालसा, है ना, जैसे जंग में ऐसे वाहे गुरु जी फतेह वाहे गुरु दा खालसा, तो वाहे गुरु दी फतेह, तो गुरु कौन है, गुरु है आदि ग्रंथ साहिब, ठीक है ना, आदि ग्रंथ साहिब वो तो गुरु है, वाहे गुरु दी फतेह और वाहे गुरु दी खालसा। खालसा क्या है कि पूरी एक सिख समुदाय पूरा एक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ के रूप में, मिलिट्री संगठन के रूप में, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, ऐसे। तो खालसा का मतलब है, तो वाहे गुरु दी फतेह वाहे गुरु दी खालसा, इसका मतलब ही ऐसे। तो कोई भी जैसे अपन स्लोगन सुनो तो उसका क्या मतलब होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए। जैसे हर कोई, जैसे आपने जुलसों के अंदर एक नारा सुना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, है कि नहीं, लगा हर कोई देता है ना, अभी धरने पे बैठना हो, सीएम के खिलाफ प्रदर्शन करना हो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे इनकलाब होता क्या ये तो बता दो, ये मतलब क्या हुआ इसका, इनकलाब जिंदाबाद का, है कि नहीं है, तो पहले जानो उसके बाद बोलो, है तो सर हमें भी नहीं पता, बताओ ना इनकलाब जिंदाबाद क्या, तो यार पता करो देखिए क्या होता है इनकलाब जिंदाबाद,
है कि नहीं है? यूं तो इनकलाब जिंदाबाद, तो इनकलाब क्या है ये? तो जैसे अपन ने बोला कि ऐसे, तो जैसे बोले जैसे अपन कोर्ट में जैसे कहते हैं ताजिरात हिंद के तहत, है नहीं? दफा 300 तो ताजिरात हिंद, तो ताजिरात ताजिरा हिंद तो समझो हिंदुस्तान, तो ताजिरात क्या है? ताजिरात हिंद के तहत कोर्ट में है ऐसे ऐसे, आप लोगों ध्यान रखना इन चीजों का। तो हाँ चलो, मैं बता रहा था तेग बहादुर पवन थे, ठीक, उन्होंने शहीद होना पड़ा, तो शहीद तो हो गए, फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसे बदला लिया थानी और खालसा के अंदर ऑर्गेनाइज किया अपने आप को। तो खालसा पंथ की शुरुआत किसने करी? गुरु गोविंद सिंह ने। कब करी? अपने 1699 ईस्वी। पंच प्यारे, गुरु गोविंद सिंह की परीक्षा में सफल 5 साधारण जो व्यक्ति थे ये पंच प्यारे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नाम याद, दयाराम खत्री, धर्मदास, हिम्मत सिंह, मोखम और साहिब संत, कोई खास नहीं है, लेकिन पंच प्यारे का जो संबंध है वो गुरु गोविंद सिंह जी से है, 10वें सिख गुरु से। फिर क्या, गुरु गोविंद सिंह 42 वर्ष की आयु में 1708 में ज्योति ज्योत हो गए, मतलब निधन हुआ। साहित्य रचना ज्योति गुरु गोविंद सिंह की प्रथम रचना थी वारिस श्री भगत जी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने अपना अधिकांश साहित्य यमुना नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट। ये जो पनोटा साहेब है ना, ये क्वेश्चन पूछते हैं ये पनोटा साहेब, ठीक है, ये पनोटा साहेब क्या है, ठीक है ना? पनोटा साहेब ये सिरमौर जिले में हिमाचल प्रदेश में है, यमुना नदी के किनारे, ऑलमोस्ट यमुना नदी का ये उद्गम स्थल के बाद सबसे पहला एक स्थान आता है प्रमुख, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर, सिरमौर हिमाचल प्रदेश के अंदर जिला है सिरमौर, उसमें वहां पे ये जगह है पनोटा साहेब, ठीक है। जैसे ये यमुना नदी है इधर, तो इस राइट हैंड पे पनोटा साहेब, ये क्वेश्चन पूछता ही है, पनोटा साहेब का संबंध किस सिख गुरु से है? 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। तो यहाँ क्या किया था उन्होंने, अपना अधिकांश साहित्य यहाँ यमुना नदी किनारे पनोटा साहेब के अंदर जो रचना करी, साहित्य की जो रचना करी वो इस स्थान पे करी, पनोटा साहेब, यहाँ गुरुद्वारा बना हुआ गुरु गोविंद सिंह जी का। तो पूछते हैं पनोटा साहेब जो गुरुद्वारा वो किनका है? वो गुरु गोविंद सिंह जी का है, ठीक है ना? 10वें सिख गुरु इनका, ऐसे अपन ध्यान रखना। गुरुद्वारा पनोटा साहेब बहुत इंपॉर्टेंट है, पनोटा साहेब क्वेश्चन आता है। गुरु गोविंद सिंह जी के 3-4 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वें ये, ठीक है, और खालसा पंथ की ये जन्म का पटना, पनोटा साहेब का संबंध किससे है? गुरु गोविंद सिंह जी से है, ऐसे ध्यान, ठीक है। तो ये था इनके बारे में। फिर दो अपन ने फैक्ट छोड़े हैं, वो एक बार अपन देख लेते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जयंती अपन देख ले, उसके बाद अपन देखते हैं लोहड़ी। लोहड़ी का पर्व आता है अपने संक्रांति से पूर्व संध्या जो होती है, मतलब संक्रांत से पहले वाले दिन की संध्या जो होती है वो, तो इसका भी गाना बड़ा अच्छा है, जैसे लोहड़ी 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 मैंने जच दी है लोहड़ी था ना। तो 13 जनवरी मकर संक्रांति की पूर्व संध्या है ना, 13 जनवरी को यह त्यौहार मनाया जाता है, लोहड़ी का पर्व, लोहड़ी का पर्व। इसका देखो मेरे पास एक वीडियो है लोहड़ी का, मैं आपको दिखाऊं क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो, अच्छा है वो, है ना? तो देखो एक ये लोहड़ी का मेरे पास अच्छा वीडियो है, इसमें म्यूजिक आने लो तो आपको ब्यूटी समझ में आएगी। देखा है ना? तो ये ब्यूटी है, देखो त्योहारों की, म्यूजिक से ही लगा कितना आनंद, कितना इंटरेस्टिंग है, ऐसे है ना? तो ये आगे अपने मेन फाइल में, तो लोहड़ी डांस आपने देखा ही, ऐसे है। तो ये लोहड़ी नृत्य हो गया मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर, देखा ही था, ठीक है। अब अपन देखते हैं बैसाखी का त्योहार, काफी इंपॉर्टेंट त्योहार है, 13 अप्रैल, ठीक है। तो ये 13 अप्रैल आपने देखा, मार्च अप्रैल और अप्रैल मई, तो ये बैसाख जो पहला दूसरा मंथ अपना चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो ये बैसाख माह के कृष्ण एकम को है ये,
ठीक है ना, बैसाखी का त्योहार ही होता है बैसाख कृष्ण एकम, ठीक है। 13 अप्रैल 1699 को दसवें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब, है ना, रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना करी थी, ठीक है। तो अभी ऊपर अपन ने देखा था कि गुरु घोषित किया गुरु ग्रंथ साहिब को, ठीक है, दसवें सिख गुरु ने, और सिखों को ऑर्गेनाइज किया खालसा पंथ के अंदर, कब, 1699, कहां, अपने आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब के अंदर। तभी से 13 अप्रैल को यह त्योहार मनाया जाता है बसंत पंचमी। खालसा पंथ क्या था, गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को सिख समुदाय को खालसा पंथ की स्थापना करी, और यहाँ अपन का वो यहाँ स्लोगन लिख लो जो अपन नारा देते हैं सिख समुदाय की, वाहे गुरु दी फतेह वाहे गुरु दी खालसा। गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब एंड खालसा है, ये खालसा मतलब मिलिट्री संगठन के रूप में ऑर्गेनाइज है सिख समुदाय। किसने दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने, कब दिया, 1699 में, कहां पर, आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब। किस दिन, बैसाख को, बैसाखी को, बैसाख, बैसाखी, बैसाखी कब मनाया जाता है अपने को, बैसाख कृष्ण एकम, और बैसाख महीना जो है वो हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना है, चैत्र के बाद बैसाख। फिर ये गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये अपन ने देख लिए। अभी जस्ट देखे अमृतसर के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। अमृतसर के बारे में क्या है, सिखों के चौथे धर्म गुरु है ना, मतलब गुरु नानक, ठीक है ना, गुरु अंगद, गुरु लैना, और फिर ये अमरदास, है ना, चौथे सिख गुरु, सिख गुरु रामदास जी द्वारा, है ना, रामदास द्वारा खुदवाया गया, ठीक है। जहां अपन स्वर्ण मंदिर देखते हैं उसके चारों तरफ तालाब है, ठीक है, उस तालाब का निर्माण किसने कराया था, रामदास जी ने कराया था, और चौथे सिख गुरु रामदास जी ने, और वो जो तालाब जहां अपन देखते हैं और जिस जमीन पे आज स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर रामदास जी को दान में किसने दी थी, वो अकबर ने दी थी। तो आप देखो कहां, तो अकबर इतना धार्मिक सही सुनो हुआ है कि चौथे सिख गुरु को दी भूमि दान में, वहां पर रामदास जी ने तालाब खुदवाया और फिर बाद में स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। और वहीं अपन देखते हैं औरंगजेब, जादूर का अकबर, फिर जहांगीर, देन शाहजहां, और फिर औरंगजेब। औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु की हत्या करवा दी, देख लो तेग बहादुर की, है कि नहीं है, और फिर उसका बेटा है गुरु गोविंद सिंह, और देख लो खालसा पंथ में ऑर्गेनाइज कर दिया गुरु परंपरा को खत्म करके, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का। तो अकबर द्वारा दान में दी गई भूमि, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अमृतसर तालाब, अमृतसर शहर किसने बचाया, रामदास जी ने, भूमि दान किसमें दी, अकबर ने दी, ठीक है। ये इस सरोवर में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर स्थित है, ठीक है, इसी सरोवर के आसपास बाद में अमृतसर शहर की स्थापना हुई। ये रामदास वाला क्वेश्चन बहुत आता है, रामदास अकबर रह पे खत्म हुआ, रह से चालू हो गया रामदास, ठीक है ऐसे। फिर इसके बाद अपन देखते हैं अगला त्योहार है गुरु नानक जयंती, क्या, गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती, ठीक है। अगला त्योहार अपन देखते हैं गुरु नानक जयंती, तो ये 8 नवंबर को आ गया, गुरु नानक जयंती कब आया अपने, 8 नवंबर को आ गया, ठीक है, ये गुरु नानक जयंती 8 नवंबर को, ठीक है ना। अभी गुरु गोविंद सिंह जयंती पढ़ी अपन ने जनवरी में, ठीक है ना, 13 जनवरी जैसे जो आया, मतलब जनवरी माह के अंदर, अभी ऊपर गया ना देखो, जनवरी में गुरु गोविंद सिंह जयंती, 9 जनवरी है ना, पोस्ट 9 जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी बैसाखी गुरु नानक जयंती है ना। अब आ गया अपन गुरु नानक जयंती, तो पहला सिख गुरु आ गया लेकिन साल के अंत में आ गया ऑलमोस्ट 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन ये कार्तिक इंपॉर्टेंट है, कार्तिक पूर्णिमा, तो जिसमें स्नान का महत्व है, स्नान मैंने आपको बताए थे कहाँ कहाँ, ठीक है, कार्तिक स्नान जैसे मैंने बताया कार्तिक नारी, तो कार्तिक का स्नान कहाँ कहाँ देखे थे अपन ने, कपिल मुनि है, कोलायत बीकानेर, कपिल धारा कहाँ, बारा चिताबाड़ी बारा, फिर अपन ने देखा था चंद्रभागा झालावाड़, है कि नहीं, पुष्कर रामेश्वर, ठीक है, ऐसे अपन ने देखे थे कहाँ, अपने कार्तिक पूर्णिमा पे स्नान प्रबंध वाले मेले। तो कार्तिक पूर्णिमा को क्या होती है, अपने गुरु गोविंद सिंह की नहीं, गुरु नानक की जयंती, पहले सिख गुरु, गुरु नानक जी कौन थे, गुरु सिख धर्म के प्रवर्तक थे, पहले सिख गुरु, इनकी जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है, दीपावली कार्तिक अमावस्या के बाद, है ना। ये दीपावली क्यों लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। देखो जैसे ये कार्तिक महीना है, तो कार्तिक की जो अमावस्या है, ठीक है ना, इसमें तो क्या आती है अपने, दीपावली आती है, वो 5 त्योहार मैंने लगातार बताए थे, धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन एंड अपने भैया दूज। और कार्तिक जो पूर्णिमा है 15 दिन बाद क्या आएगी, गुरु नानक जयंती, नानक है ना, गुरु नानक जयंती। अब इन सब दोनों में क्या संबंध है, हमें समझाओ ना, समझ में नहीं आया, 15 दिन का फर्क है, इधर है दिवाली और उधर है गुरु नानक जयंती। तो देखो ये है दिल्ली के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के संदर्भ में कैसे, मैं आपको बताता हूँ।
दिवाली गई कार्तिक अमावस्या पे, पटाखे छुड़ाए, छुड़ा लिए, वेरी गुड, कोई बात नहीं, छुड़ाते ही है सब, उसमें क्या है। लेकिन दिल्ली और पंजाब में क्या होता है, क्योंकि दिल्ली में भी पंजाबी काफी है, पंजाब में तो है ही नो डाउट, तो भाई गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती, गुरु नानक का जन्मदिन तो सेलिब्रेट तो होना ही है, तो दिल्ली और पंजाब में जितने पटाखे दीपावली पर नहीं चलते उससे कई गुना ज्यादा, 2 या 3 गुना ज्यादा 15 दिन बाद गुरु नानक जयंती पर जलते हैं। तो अब देखो पॉल्यूशन तो होना ही है ना ऐसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी थोड़ा कोविड का जैसे हुआ पॉल्यूशन, जैसे दिल्ली में सर्दियों में ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या सर्दियों में क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, उसमें जैसे जियो थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता है, तो जो मैंने समझा रखा है वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है ना, लेकिन सर्दियों में समस्या ज्यादा हो जाती है दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की, तो दीपावली के बाद ऑलमोस्ट वहां सर्दी पड़ने लग जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दीपावली और गुरु नानक जयंती पर एक भी पटाखा दिल्ली के अंदर नहीं फूटेगा कोविड में, और फिर अभी जो दिवाली गई उसमें बैन है बिल्कुल, खास तौर पर गुरु नानक जयंती पर है कि नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि दीपावली पे तो पॉल्यूशन है ही, तो दीपावली वाला पॉल्यूशन तो अभी कम हुआ ही था, 15 दिन बाद उससे दुगना पॉल्यूशन शहरवासियों को झेलना पड़ता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी दिवाली एंड उसके बाद जस्ट 15 दिन बाद आने वाला गुरु नानक जयंती पर पटाखे की बिक्री बिल्कुल भी मार्केट में नहीं होनी चाहिए, ये चीज, पटाखा हो चाहे ग्रीन पटाखा हो। अब जैसे ग्रीन पटाखे की क्या डेफिनेशन थी, ग्रीन पटाखा क्या होगा, आवाज नहीं करेगा, रोशनी नहीं करेगा, है रोशनी तो करेगा ही, वो ही नहीं करेगा तो फिर पटाखा क्या हुआ, तो फिर ग्रीन पटाखे की क्या परिभाषा है ये पता होनी चाहिए। बीच में एक कॉन्सेप्ट आया था ई सिगरेट, तो ई सिगरेट यार कोई ऐसा थोड़ा ना कि अमेजोन से मंगा ली वो ई सिगरेट हो गई, या कंप्यूटर पे उधर तो सिगरेट जल रही और मैं बैठा बैठा आनंद ले रहा हूँ, हाँ हाँ क्या सिगरेट, ऐसे थोड़ी है। तो ई सिगरेट क्या होती है, हैं ग्रीन पटाखे क्या होते हैं, तो जब ये टर्म्स देखो तो इनके बारे में जाना करो, है ना, यही होती है परीक्षार्थी की असली पहचान, जिज्ञासु बनो, है ना। तो ये मैंने गुरु नानक जी का ऐसे ही हम कार्तिक पूर्णिमा बताया, तो इस संदर्भ में ध्यान रखना है। फिर अपने चुरू के अंदर क्या लेना देना है सिख समुदाय का वो मैं बता देता हूँ। चुरू जिले के अंदर है साहब का गुरुद्वारा, है ना, साहब का गुरुद्वारा जिसके साथ सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव एवं 10वें और अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के आने व रहने की स्मृतियां जुड़ी हुई है। कहाँ, चुरू जिले के अंदर गुरु साहब, और एक गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ अपन ने पढ़ा था, हाँ नीचे ही है, तो वगैरह थोड़ा ज्यादा लिखवाना पड़ेगा लेकिन हर चीज आपके पास पहले ही है। चुरू के अंदर तो ये हो गए साहब, और पश्चिम की तरफ हो गए श्री गंगानगर में गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, है ना, बुड्ढा श्री जो है वो बुड्ढा बुड्ढा जोहड़, ये विजयनगर श्री गंगानगर में है। तो गुरुद्वारा साहब जैसे अपन से पूछे तो वो हो गया चुरू, और गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ पूछे तो वो हो गया अपने विजयनगर श्री गंगानगर, है ना। तो बूढ़े हैं सीनियर सिटीजन तो श्री लग जाता है, श्री गंगानगर, ऐसे अपने क्लू के रूप में याद रखना है ना। तो ये एक छोटा सा अपने नटसेल के अंदर था सिख धर्म से रिलेटेड, नेक्स्ट अपने ईसाई धर्म से रिलेटेड, है ना। तो सिख धर्म में अपन ने मेन मेन जो देखे वो कौन कौन से देखे, अपन ने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती साल के सबसे शुरू में 9 जनवरी, ठीक है, जन्म 1666, खालसा पंथ की स्थापना 1699, जन्म हुआ पटना बिहार के अंदर, गुरु खालसा पंथ की स्थापना करी आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब में, लोहड़ी अपन ने देख ली 13 जनवरी सकरात से एक दिन पहले, बैसाखी अपन ने देख ली बैसाख कृष्ण एकम, बैसाख दूसरा महीना हुआ चैत्र बैसाख, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में अपन ने देख लिया सारी चीजें, और गुरु नानक जी और हाँ अमृतसर की स्थापना करी रामदास जी ने, स्वर्ण तालाब स्वर्ण मंदिर और वो भूमि दान में दी थी रामदास जी 4थे सिख गुरु को अकबर मुगल बादशाह अकबर के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं गुरु नानक जयंती जो दिवाली के बिल्कुल विलोम, मतलब दिवाली का विलोम का मतलब अमावस्या का विलोम पूर्णिमा, तो पूर्णिमा को वो आती है गुरु नानक जयंती, ठीक है, ये चीज है। फिर चुरू जिले के अंदर अपने गुरुद्वारा साहब, श्री गंगानगर के अंदर गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ अपन ने देखा, ठीक है। तो सिख धर्म के अंदर इतना ही था, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं ईसाई धर्म से रिलेटेड त्यौहार, ठीक है, इस फाइल के अंदर इतना था, ये है।